दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन का पावन महीना चल रहा है। यह पावन महीना भोलेनाथ को समर्पित है। लाखों करोड़ों में भक्त शिवलिंग के सामने शिव को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। इस महीने में बताया जाता है कि महादेव शिव स्वयं धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के घर घर जाकर उनके दुख को दूर करते हैं। इसलिए तो सावन के महीने में महादेव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। ऐसे में सावन के पावन महीने में आप सभी को विशेष उपाय भोलेनाथ से संबंधित जरूर करने चाहिए। विशेषकर सावन में जलाभिषेक तो महादेव का अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि महादेव मात्र लोटा भर जल उन पर अर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। और दोस्तों, जब महादेव शिव आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो वे कुछ विशेष संकेत देते हैं। यानी कि भगवान शिव से जुड़े अगर आपको ये सपने दिख जाए, तो समझो साक्षात भगवान शिव ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया है और उनकी छत्र छाया आपके ऊपर हो गई है और दुनिया का हर सुख अब आपके कदमों में होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ विशेष संकेतों के बारे में, जो अगर आपको सावन महीने के आसपास दिख जाए, तो समझो भोले बाबा आपकी भक्ति से खुश हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। अगर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह सपना ये भी बताता है कि आप पिछले जन्म में भी शिव भक्त थे। सपने में शिवलिंग दिखने का मतलब होता है कि आप जिस भी परेशानी में फंसे हो, वह अब समाप्त होने वाली है और आपके हर कार्यों में विजय प्राप्त होने वाली है। गंगा नदी के किनारे शिवलिंग को देखना या उसके आसपास पानी बहकर जा रहा हो, तो यह शिवजी की असीम कृपा को दर्शाता है। यह आपके जीवन में आने वाले संकट परेशानियों का अब खत्म होने का संकेत होता है। अगर सपने में स्वयं महादेव आपको दिखाई दे या वे माता पार्वती के साथ आपको दिखाई दे, तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया है, क्योंकि यह सपना बहुत ही किस्मत वालों को आता है। इस सपने का मतलब होता है कि आप भगवान शिव के बहुत ही खास है और हर समय वो आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह विशेष सपना केवल इन्हीं भक्तों को दिखाई देता है जो महादेव को बहुत अधिक पसंद होते हैं। तो अगर आपको भी यह सपना दिखाई दे, तो समझो आप बहुत भाग्यशाली हैं। सपने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना या चढ़ाते हुए अपने आप को या किसी और को देखना, यह संकेत है कि आपकी कोई शिवजी से मांगी हुई मन्नत अब पूरी हो जाएगी। या आपने कभी मन में शिवलिंग की कोई पूजा सोच रखी हो, तो ऐसे में आपको जल्द ही शिवलिंग की पूजा इस सावन के महीने कर लेनी चाहिए। आपके जीवन में अब हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई अन्य सपना इस सावन में आया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसका अर्थ आपको अवश्य बताएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।